तो पटना के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के राज्य मंत्री भी शामिल हुए हैं। बताते चले कि बैठक में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पटना पहुंचने पर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी उनका स्वागत करने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहीं बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। तो पटना के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बता दें कि बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा राज्य के सभी मंत्री शामिल हुए हैं। और साथ ही बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पटना पहुंचने पर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी उनका स्वागत करने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, पटना में बैठक शुरू हो चुकी है, फिलहाल कार्यक्रम में कौन कौन से मंत्री पहुंच चुके हैं? देखिए, जो पूर्वी क्षेत्र की 26वीं जो आज बिहार में बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के तरफ से, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी है, और उसके अलावे जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी जो है वो वित्त मंत्री ही आए हैं, और उनके साथ कई अधिकारी जो है वो आए हैं। और बैठक जो है सीएम सचिवालय में चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम सचिवालय में उनका जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया, और जो है बैठक अभी देर तक चलेगी और लगभग बताया जा रहा है 5:30 से 6 बज सकते हैं बैठक में। तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी उसका एक बकायदा ब्रीफिंग आएगा, और ब्रीफिंग में ही पता चलेगी कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन काफी अहम, अगर विकास और उग्रवाद जिस तरह से कम हुई है बिहार में, काफी अचीवमेंट वाली बात है, और जिस तरह से बिहार में और कैसे विकास हो उस तमाम बिंदुओं पर जो है बिहार अपना पक्ष रखेगा। इसी के साथ ही अन्य राज्य जो है आपके पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और झारखंड है, इन राज्यों के तरफ से जो सचिव आए हुए हैं तो उन लोगों वो लोग भी अपना जो है पक्ष रखेंगे, और अपने अपने राज्य में किस तरह का विकास हो और कैसे कैसे नक्सलवाद जो था वो धीरे धीरे कम हुआ तो और उस पर समाप्ति कैसी हो, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और चर्चा के बाद जो है वो एक ब्रीफिंग की जाएगी, और ब्रीफिंग में ही पता चलेगा किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मणिभूषण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बता दें कि पटना के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कई राज्यों के मंत्री शामिल हुए हैं, और साथ ही ये बैठक 5-6 बजे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।